था, कुछ ड्राइवर गया था तो फैलने का लगता है उस साइड में गया और गाड़ी नजर गई और ये गाड़ी निकल गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी एक न्यूज़ मिली कि जो बस आती है 5 बजे की पेवे में गोहागर से पेवे पंगारी, तो वो उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ। मैं वही जा रहा हूँ अभी देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पर बस को देखने के लिए और मैं रिवर्स लेने के चक्कर में गाड़ी यहाँ पर अंदर चली गई थी। ये आगे का टायर जो है ना स्किड होके यहाँ पर फंस गया था और गाड़ी खेत में चली गई थी। हमारे मुश्ताक चाचा थे और फरहान भाई थे, उन्होंने मदद की गाड़ी को। हमारे शकील तड़वी साहब भी थे, गाड़ी को निकालने मदद की। मुश्ताक का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कब के लिए गाड़ी खोला था? ये पाची ना अपनी ये चिपकुन गाड़ी, अच्छी गाड़ी ना, बड़ा पुराना है। तो ये किस तरह से ये जो रास्ते की जो साइड में जो है ना क्या कहते हैं इसको, मिट्टी जो है ना नरम हो चुकी पूरी बारिश की वजह से, खेत है तो इसमें गाड़ी स्लिप होती है, स्किड हो जाती है। गाड़ी निकालने में ना शकील भाई, सार्थक, ये लोग ने बहुत हेल्प किए। मेरी वैगनार फंस गई थी और ये देखो गाड़ी किस तरह से पूरी नीचे गई है। ये देखो ये खड्डे बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में सटक जाती है पूरी। फरहान भाई अभी हमारे साथ आए यहाँ पे जुड़ चुके हैं और फरहान भाई से हम पूछेंगे कि कैसे ये हुआ और कितने बजे गाड़ी जो है गई। फरहान भाई कितने बजे आप यहाँ पर आए? अभी तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे मेरे को पता चला। मैं और खालिद भाई अपनी गाड़ी लेके आए फोर व्हीलर। अभी खालिद भाई फिलहाल जो अंडर पेशेंट था, मतलब कस्टमर था उसका, उसी के सब लेके गए लोग। फिलहाल अभी डॉक्टर के पास लेके गए। क्या वजह थी गाड़ी जो है ना इतनी नीचे गई? एक्चुअली गाड़ी साइड पे देने का कुछ मकसद ही था, आगे पीछे से गाड़ी आ रही नहीं थी। लीक था, कुछ ड्राइवर नया था तो फैलने का लगता है उस साइड में गया और गाड़ी घसर गई। गड्ढा बचाने के लिए साइड में जाने की वजह से भी हो सकता है ना? ऐसा ही ऐसा ही, क्योंकि देखो किस तरह से पूरा रोड के बाहर है गाड़ी। क्रेन को आना जरूरी है क्योंकि ऐसी गाड़ियां भी आएंगी नहीं। क्रेन के बिना गाड़ी तो निकलेगी नहीं और बाकी जो भी गाड़ियां आने वाली जाने वाली होगी उसमें प्रॉब्लम होगा, है ना? रोड का बहुत बड़ा एहसान है कि लोग पब्लिक लोग बच गए। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था कि गाड़ी की कंडीशन ही देखो। और सबसे अच्छी चीज मतलब क्या है कि इतने में गाड़ी रुक गई, वरना पूरी अगर पलट जाती तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और किसी को कुछ लगा है पर गाड़ी में? लगा है थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर हम लोग वहाँ से आए घर पर वापस और अभी जब क्रेन वगैरह आएगा तो हम लोग इंशाल्लाह फिर से वापस जाएंगे वहाँ पर हेल्प करने के लिए इंशाल्लाह। अभी मैं फिर से आ गया हूँ जहाँ पर एसटी बस जो है खेत में गई थी, तो अभी यहाँ पर क्रेन आया हुआ है और क्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये अभी बेल्ट डाला हुआ है उसको और उठाकर ड्राइवर अंदर बैठे हुए बस में उसको उठाकर फिर कोशिश करेंगे कि आगे लेने की। इसको उठा रहे ऊपर, ¡Gracias!
बहुत रिस्की काम है और ड्राइवर के लिए भी बहुत रिस्की है। रिवर्स में डाल रहे लेकिन रिवर्स गियर गिर नहीं रहे। ये थोड़ी सी गाड़ी बाहर निकली है अभी। से अभी पीछे ले रहे गाड़ी को। और ये गाड़ी निकल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी अंदर गाड़ी चली गई थी। आगे का टायर जो था वो पूरा अंदर चला गया था और क्रेन की मदद से गाड़ी पूरी निकल गई बाहर। यहाँ पर देखो आप लोग कितना अंदर जो टायर चला गया था। गाड़ी की जो बॉडी थी वो जमीन पे लग गई थी। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली निकल चुकी है। तो इस तरह के हादसात होते हैं बारिश के वक्त में और गलती ड्राइवर की भी है। और यहाँ पे झाड़ियाँ बड़ी हुई थी साइड में, इसकी वजह से ड्राइवर जो है ना साइड देख के निकालने के लिए गए क्योंकि वो झाड़ियाँ कांच पे लगती है। हमारे ड्राइवर से भी बात हुई तो दोनों की गलतियाँ है, रास्ते की भी हालत ख़राब है जिसकी वजह से ऐसे हादसात होते हैं। तो इस पर जो सरकार है उसने भी ध्यान देना चाहिए, जिसके अंडर में जो ये आता है रोड्स का, तो रोड्स पे भी जो है ना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से रोड्स की हालत ख़राब। रास्ता जो है खाड़ी के किनारे होने की वजह से, खाड़ी से नज़दीक होने की वजह से रास्ता जो है ना धस जाता है, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी कहीं ट्रैवल करते तो ध्यान रखिए, गाड़ी अगर चला रहे तो गाड़ी को रास्ते से उतारना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि हम भी देखने के लिए गए तो हमारी गाड़ी भी धस गई थी। तो फरहान भाई, मुश्ताक चाचा, शकील और सार्थक वगैरह थे, इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मदद की उन्होंने और गाड़ी अपनी भी निकल गई। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।